यादव लैंड में क्या बीजेपी को पटखनी दे सकेंगे अखिलेश, जाने यूपी में तीसरे चरण की 10 सीटों का समीकरण। उत्तर प्रदेश में 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्रों पर हैं। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यादव मुस्लिम बहुलता वाली इन 10 सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए किन सीटों पर सबसे मजबूत समीकरण है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और संभल जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में यादव मतदाताओं का बाहुल्य है, जो सेफई परिवार यानी मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए समर्पित रहे हैं। इसके साथ ही संभल, आंवला, फतेहपुर सीकरी, आगरा और फिरोजाबाद में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संभल में 50% तो बरेली में 33% आबादी मुस्लिम है। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां केवल 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आजमगढ़ और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जीते, कन्नौज से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव। मुलायम सिंह यादव द्वारा मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ने के बाद इस पर हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह यादव उप तेजू चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, पर 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ये यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इस चुनाव में मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और संभल से शफीकुर रहमान बर्क ही चुनाव जीत सके थे। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह अन्य पिछड़ी जातियां भाजपा की ओर एकजुट हुई, उससे समाजवादी पार्टी को विजय दिलाने वाले मुस्लिम यादव समीकरण का प्रभाव कम हुआ। समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स यादव रहे हैं। इस बार जिस तरह से अखिलेश यादव ने केवल अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया है, इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। बीजेपी और बीएसपी इस बात को इस तरह प्रचारित कर रही है कि समाजवादी पार्टी की नजर में केवल परिवार के लोग ही यादव हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव में सूबे की कुल 80 में से 62 सीट पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीट सहयोगी दलों को दी गई। पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट में इस बार केवल 5 यादव प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव मैदान में हैं। आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह दूसरी पार्टियां बीजेपी और बीएसपी यादव समुदाय को पटाने में लगी हुई है, उससे तो यही लगता है कि इस बार के चुनाव में कुछ परसेंट यादव वोट भी टूटेगा। बहुजन समाज पार्टी ने कुल 4 प्रत्याशी यादव समाज से उतारे हैं।